हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परसा ईस्ट एवं कांते बेसिन कोर ब्लॉक द्वितीय फेज की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस, जल्द शुरू होगा कोयले का उत्पादन, ताप्य विद्युत गृहों को मिलेगा कोयला। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परसा ईस्ट एवं कांते बेसन कोल माइन द्वितीय फेज की पर्यावरणीय क्लियरेंस मिल गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के PEKB ब्लॉक की द्वितीय चरण की भूमि में खनन कार्य आरंभ करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस मिलने के साथ ही 1136 हेक्टर में खनन कार्य आरंभ करने में आ रही बाधा दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले फेज में कोयला लगभग समाप्त होने की स्थिति में होने के कारण राज्य के तापीय विद्युत गृहों के लिए कैप्टिव कोल माइंस से कोयला की उपलब्धता प्रभावित होने लगी थी। ACS डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनवरत समन्वय मार्गदर्शन व निर्देशन से केंद्र सरकार के वन मंत्रालय से ये क्लियरेंस मिल पाई है। प्रदेश में तापीय विद्युत गृहों के लिए आसन कोल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री गहलोत केंद्र व छत्तीसगढ़ सरकार से निरंतर समन्वय बनाए हुए थे और उसी का परिणाम है कि केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति मिल सकी है। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार को परसा ईस्ट व कांता बेसिन में फेज वन में कोयले का खनन और राज्य के विद्युत तापीय गृहों के लिए कोयला लाया जा रहा है। फेज वन में एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब एक माह का ही कोयला रह जाने से राज्य सरकार द्वारा फेज दो में खनन कार्य आरंभ करने की क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया हुआ था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पर परसा कांता बेसिन के दूसरे चरण के 1136 हेक्टर के वन भूमि में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग से स्वीकृति के लिए भी दबाव बनाए रखने से जल्दी क्लियरेंस मिल सकी है। ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने बताया कि राज्य में तापीय विद्युत गृहों से बिजली के उत्पादन का भी नया रिकॉर्ड बनाया गया है। देशव्यापी कोल संकट के समय भी प्रदेश में निर्बोध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विद्युत तापीय गृहों के लिए परसा ईस्ट एवं कांते बेसिन कोल ब्लॉक के लिए 1898 हेक्टर क्षेत्र खान आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके पहले चरण में 762 हेक्टर की स्वीकृति जारी होने से 2013 से यहां कोल माइनिंग कर राज्य में तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयला लाया जा रहा था। पहले चरण की कोल माइनिंग में एक माह से भी कम का कोयला रह जाने के कारण राज्य के सामने कोयले का बड़ा संकट आ गया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कोल सचिव, ऊर्जा सचिव व वन एवं पर्यावरण सचिव से निरंतर समन्वय बनाने और प्रभावी तरीके से राज्य का पक्ष रखने का परिणाम ये रहा है कि 23 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित फॉरेस्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में क्लियरेंस मिली है। उन्होंने बताया कि 1136 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन आरंभ होने से भविष्य में खनन कार्य जारी रह सकेगा। गौरतलब है यहाँ से 15 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला खनन हो सकेगा। केंद्र सरकार के क्लियरेंस व राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री गहलोत के निर्देशों पर स्वयं ACS डॉक्टर अग्रवाल दिल्ली जाकर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के CMD श्री RK शर्मा ने दिल्ली व छत्तीसगढ़ सरकार से समन्वय बनाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाई। उन्होंने बताया कि अब राज्य के विद्युत तापीय गृहों को इस कैप्टिव कोल माइन से कोयले की उपलब्धता बनी रह सकेगी। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।